मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पड़ाना नगर के मुख्य बाजार में दो पक्षों में हुए विवाद के बाद माहौल गर्मा गया। विवाद सुलझाने गई सारंगपुर पुलिस की टीम पर भी लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें SDOP सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पहले सामान्य विवाद एक गाड़ी के दूसरे गाड़ी से टकरा जाने से हुआ। इसके बाद उत्पात करने वालों को पुलिस पकड़ने पहुंची तो कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस जवान SDOP पदम सिंह बघेल पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार सूरज सिंह राजपूत निवासी अखनिया खेड़ी अपने बेटे सोभाग सिंह के साथ कार से जा रहा था, तभी वहां अनवर अंसारी निवासी अंसारी मोहल्ला पड़ाना की गाड़ी भी वहीं खड़ी थी। दोनों की गाड़ी निकालने के दौरान टकरा जाने पर विवाद हो गया, तभी गाड़ी में बैठा सोभाग सिंह उतरा और अनवर के साथ मारपीट कर दी। अनवर ने पुलिस को बताया कि विवाद को बढ़ाने बगल में रहने वाले रजत गुप्ता ने उसकी मदद की। उसके साथ आए अन्य लोगों ने भी अनवर के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने सूरज सिंह, उसके बेटे सोभाग सिंह, रजत गुप्ता सहित अन्य पर मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन मामला फिर भी शांत नहीं हुआ। इसके बाद सारंगपुर पुलिस मामले को शांत करने मौके पर पहुंची तो वहां लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और हमला भी कर दिया। पुलिस का कहना है कि कुछ झुंड में आई महिलाओं और 25 से 30 लोगों ने पथराव कर हमला किया। इसमें SDOP को चोटें आई है, साथ ही आरक्षक नवीन सहित अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। अंधेरे में बाकी लोगों के घायल होने का पता नहीं चल पाया। पुलिस का कहना है कि मामले को तूल देने वाले रजत गुप्ता को पकड़ने पुलिस SDOP गए थे, इसी बीच उन्होंने हमला कर दिया। सारंगपुर पुलिस ने SDOP पदम सिंह बघेल की रिपोर्ट पर डाली गुप्ता, मुकेश जलोदिया, मुकेश हजारी, दिनेश परमार और पद्मन परमार सहित करीब 25 से 30 लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 353, 332, 336 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इसमें आपको भी चोट आई है, क्या है पूरा मामला? 6 बजे करीब सूचना मिली थी, रिपोर्ट किया पुलिस साहब, वहाँ रास्ता है, वहाँ पर वाहन निकालने को, वाहन निकालने की बात को लेकर हिंदू मुस्लिम आपस में मारपीट हुई है। मैं तत्काल ऑफिसर रवाना होकर तत्काल मौके पहुँचा और अपने PA सिस्टम चालू करके भीड़ को तत्काल किया और अपने अपने घर को रवाना कर दिया। उसके बाद जो मारपीट करने वाले उनको उठा के थाने भिजवाए। उसके बाद फिर चौकी पर था कि तत्काल अज्ञात व्यक्ति की टेलीफोन किया, मेरे साहब यहाँ भीड़ इकट्ठे हो रहे, हिंदू मुस्लिम दंगा होने वाला है। तो सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचा तो मुस्लिम लोगों को अपने अपने घर में रवाना कर दिया और वापस मुड़के ने हिंदू लोगों को अलाउंसमेंट कर रहा था तो हिंदू लोगों ने पथराव किया। पथराव से मेरे गाड़ी कांच फूटे और मुझे एक पत्थर लगा जो हेलमेट पहना हुआ था, मामूली अछक्ता हुआ लगा। सर कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें करीब चार लोग घायल हुए हैं। सर इन जिन लोगों ने हमला किया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? अपना पंजीबद्ध किया है 353 का। सर पुरुषों ने पत्थर चलाए कि महिलाओं ने भी चलाए थे? इसमें एक महिला भी थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।